हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नेम है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस LCS। क्लियर, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो देखिए, इस टाइप के प्रॉब्लम का बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। इस टाइप के प्रॉब्लम में टू सबसीक्वेंस गिवन रहेगा, एक्स और वाई सबसीक्वेंस गिवन रहेगा। इसका लेंथ मैंने ले लिया m और इसका लेंथ है n। लेंथ का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये दो सब सीक्वेंस गिवन रहेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव या मेन एम क्या होगा, इन दोनों सीक्वेंस में से कॉमन सब सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन सब सीक्वेंस हम फाइंड आउट करेंगे, सब सीक्वेंस। क्लियर, उसके लिए हम लोग यहाँ पे डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्निक अप्रोच का यूज करेंगे। इसका एप्लीकेशन, ये प्रॉब्लम कहाँ पे यूज होता है, डीएनए टेस्टिंग में। इस एप्लीकेशन का ये वाला जो LCS है वो यूज होता है। मींस डीएनए टेस्ट करने के लिए कितने सेल मैक्सिमम मैच हो रहा है टू और मोर सब स्ट्रिंग में। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे और कंप्लीट लास्ट तक देखना है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वो सारे कंसेप्ट मैं आपको इस प्रॉब्लम में बताऊंगा। चलिए एक एक स्टेप देखेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा है, यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है, टू सब सीक्वेंस गिवन है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। इस तरीके का फर्स्ट सब स्ट्रिंग है और ये सेकेंड सब स्ट्रिंग, या आप सीक्वेंस भी बोल सकते हो। टू सब सीक्वेंस यहाँ पे गिवन है। देखो प्रॉब्लम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और इस सब स्ट्रिंग को ए बी सी बी बिना कॉमा के भी पूछा जा सकता है। इस तरीके से टू सब सीक्वेंस गिवन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इसमें आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। फर्स्ट लेंथ फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख देंगे। लेंथ ऑफ वाई, सेकेंड सब सीक्वेंस का लेंथ देखेंगे हम लोग, वाई कितने यहाँ पे काउंट करेंगे, 6। ये हो गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से और ये वैल्यू हो गया हमारा n। अब हमको क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है, कॉस्ट मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका डायमेंशन 8 by 7 मीन्स 1 ऐड करेंगे, 7 + 1 कितना आएगा, 8, 6 + 1 7, 1 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। 8 by 7 का एक कॉस्ट मैट्रिक्स हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। देखिए जिसमें 8 रोज होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 7 कॉलम होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। और एक बात क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कोई भी लेंथ का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई भी वैल्यू हो सकता है, सेम भी हो सकता है रो और कॉलम, और डिफरेंट भी हो सकता है। क्लियर, अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स वाले को रो वाइज लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स ऑफ आई, कैरेक्टर को रोज वाइज लिखेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर हमारा ए है, सेकेंड कैरेक्टर बी, इसके बाद में सी आएगा, देन बी कैरेक्टर को लिखेंगे, देन डी कैरेक्टर, देन ए, और लास्ट में बी। ये बात याद रखना है, फर्स्ट वाले सब स्ट्रिंग को रो वाइज लिखेंगे और सेकेंड वाले सब स्ट्रिंग को कॉलम वाइज लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वाई आई, बी, देन डी, सी, ए, बी और ई। ये समझ में आ गया। अभी देखिए वैल्यू असाइन करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये वैल्यू आई का है। इसके बाद में जे वैल्यू, इसको भी 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। इस मैट्रिक्स को प्रिपेयर करना है, फिल करना है, कॉस्ट मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, देखिए बस आपको दो पॉइंट याद रखना है। रो और कॉलम में अगर सेम वैल्यू आया, क्या आ गया, सेम, जैसे यहाँ पे देखिए बी और इधर भी क्या आया, बी, जब सेम आएगा तो डायगोनल में 1 ऐड करेंगे। किसमें, डायगोनल में, आपको इधर मैं लिख रहा हूँ, इधर देखेंगे, यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ। अगर वैल्यू सेम आया रो एंड कॉलम में तो डायगोनल में 1 ऐड करेंगे, डायगोनल वैल्यू, प्रीवियस डायगोनल वैल्यू प्लस 1 ऐड करेंगे। और डायगोनल के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे, इस तरीके का सिंबल यूज करेंगे। अगर रो एंड कॉलम में डिफरेंट वैल्यू आया तो मैक्सिमम वैल्यू लेना है। मैक्सिमम वैल्यू कहां से, अप से और साइड से आपको मैक्सिमम वैल्यू लेना है। 3 एरो का यूज करेंगे, डायगोनल एरो का यूज करेंगे, अप वाले एरो का यूज करेंगे
और यहाँ साइड वाले एरो का यूज करेंगे। क्लियर? तो चलिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, इसको हम फिल करेंगे। फर्स्ट वाले रो को और फर्स्ट वाले कॉलम को जीरो इनिशियलाइज करेंगे। जीरो क्यों जीरो इनिशियलाइज करेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे जीरो है, इस सारे यहाँ पे वैल्यू को रो को आप जीरो कर दोगे इस वाले जीरो की वजह से। जीरो 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 जीरो। फर्स्ट वाले कॉलम को भी जीरो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है जीरो, इसके वजह से ऑल वैल्यू आ जाएगा जीरो 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 जीरो। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम में फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को जीरो इनिशियलाइज कर देंगे। अब इसके बाद में देखिए हम लोग कैरेक्टर्स को फाइंड करेंगे। एकदम सिंपल सा अप्रोच है, यहाँ पे आपको देखना है रो में देखेंगे तो ए है और कॉलम में बी है, बोथ आर डिफरेंट, और जब डिफरेंट रहेगा तो अप एंड साइड से आपको मैक्सिमम वैल्यू, देखिए अप में देखेंगे तो जीरो, साइड में देखना है जीरो, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा? जीरो। ऐसा और एरो आप बनाना को बनाना है साइड एंड अप, ऐसा। ये जो जीरो वैल्यू है वो साइड से भी है और अप से भी है। इसके बाद में देखेंगे ए डी डिफरेंट, साइड और अप में जीरो है, एरो बनाएंगे साइड और अप। ए और सी ये भी डिफरेंट कैरेक्टर है तो अप और साइड में सेम वैल्यू है जीरो। देखिए यहाँ पे ए और ए, रो में ए कॉलम में ए, सेम आ गया। आप क्या करेंगे? डायगोनल में वन ऐड करेंगे, डायगोनल वैल्यू जीरो है प्लस वन ऐड करेंगे, जीरो प्लस वन क्या आएगा? वन फॉर डायगोनल वैल्यू। इस तरीके से आपको एरो बनाना है। नेक्स्ट ए और बी डिफरेंट कैरेक्टर है, मैक्सिमम वैल्यू साइड और अप से, तो साइड में वन फॉर मैक्सिमम वैल्यू साइड एरो। ए एंड ए ये देखिए यहाँ पे बोथ आर सेम, डायगोनल में वन ऐड करेंगे, जीरो प्लस वन वन फॉर डायगोनल वैल्यू। इस तरीके से एरो बनाएंगे। नेक्स्ट वाले रो को रो वाइज कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे बी और बी सेम आ गया, डायगोनल जीरो है, जीरो प्लस वन वन फॉर डायगोनल वैल्यू। बी डी डिफरेंट है, मैक्सिमम वैल्यू साइड और अप, तो मैक्सिमम वैल्यू वन है, साइड से मैंने लिया। बी और सी डिफरेंट है, मैक्सिमम वैल्यू लेना है, साइड में मैक्सिमम वैल्यू। बी ए डिफरेंट है, मैक्सिमम वैल्यू तो साइड में भी वन और अप में भी वन। बी एंड बी सेम है, डायगोनल में वन ऐड करेंगे, वन प्लस वन टू फॉर डायगोनल वैल्यू। नेक्स्ट देखिए बी और ए डिफरेंट है, मैक्सिमम वैल्यू टू फॉर साइड वैल्यू। नेक्स्ट थर्ड वाले रो को अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सी बी डिफरेंट है, वन आएगा फॉर अप वैल्यू। सी एंड डी डिफरेंट है, वन मैक्सिमम है साइड में भी और अप में। सी और सी सेम आ गया, अब आप डायगोनल में वन ऐड करेंगे, वन प्लस वन टू और डायगोनल वैल्यू फॉर डायगोनल। सी ए डिफरेंट हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू साइड में है, साइड और अप में मैक्सिमम वैल्यू साइड। यहाँ पे देखेंगे इधर भी डिफरेंट है तो टू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू साइड में भी है अप में भी है। सी और ये डिफरेंट है, मैक्सिमम वैल्यू साइड में भी है और अप में भी है। बी यहाँ पे बी और बी सेम आया, सेम पे डायगोनल में वन ऐड करेंगे, जीरो प्लस वन वन ये आएगा डायगोनल वैल्यू। बी और डी डिफरेंट, मैक्सिमम वैल्यू साइड और अप दोनों में सेम वैल्यू है, डिफरेंट है तो मैक्सिमम वैल्यू अप वैल्यू है यहाँ पे। बी ए डिफरेंट, मैक्सिमम वैल्यू साइड में भी है और अप में भी है, यहाँ पे सेम आया, डायगोनल में वन ऐड करेंगे, टू प्लस वन कितना आएगा? थ्री आएगा फॉर डायगोनल वैल्यू। नेक्स्ट बी ए डिफरेंट आया, मैक्सिमम वैल्यू साइड में है। बी बी डिफरेंट, मैक्सिमम वैल्यू फॉर अप वैल्यू। डी और डी सेम आया, वन डायगोनल में वन ऐड करेंगे, वन प्लस वन टू फॉर डायगोनल वैल्यू। डी और सी डिफरेंट है, मैक्सिमम वैल्यू साइड में भी है और डायगोनल में भी है। डी और ए डिफरेंट है तो मैक्सिमम वैल्यू साइड में भी टू और अप में भी टू। D और B डिफरेंट है तो मैक्सिमम वैल्यू फॉर अप वैल्यू। डी ए डिफरेंट है यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू थ्री, साइड में भी है और अप में भी है। इसके बाद में नेक्स्ट वाले रो को कैलकुलेट करेंगे। बी डी डिफरेंट है, वन फॉर मैक्सिमम वैल्यू। ए डी डिफरेंट है, टू फॉर अप वैल्यू। डिफरेंट है टू, साइड एंड अप वैल्यू। नेक्स्ट ए सेम हो गया, टू प्लस वन थ्री फॉर डायगोनल वैल्यू। ए बी डिफरेंट है, थ्री साइड एंड अप वैल्यू मैक्सिमम। ए ए सेम हो गया यहाँ पे तो डायगोनल में वन ऐड करेंगे, फोर फॉर डायगोनल वैल्यू। बी बी डिफरेंट है, वन मैक्सिमम कहाँ पे है? अप में है। इसके बाद में बी डी डिफरेंट है तो टू फॉर अप वैल्यू। बी सी डिफरेंट है, टू साइड एंड अप दोनों वैल्यू है यहाँ पे। बी ए डिफरेंट है, मैक्सिमम वैल्यू अप में है। इसके बाद में बी और बी सेम हो गया, थ्री प्लस वन डायगोनल में वन ऐड करेंगे, फोर फॉर डायगोनल वैल्यू। नेक्स्ट बी ए डिफरेंट है, फोर साइड एंड अप वैल्यू। इस तरीके से हम कॉस्ट मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे। सिंपल सा अप्रोच है,
अगर कैरेक्टर डिफरेंट है तो मैक्सिमम वैल्यू आपको लेना है साइड से और अप में, और अगर कैरेक्टर सेम है तो डायगोनल में वन ऐड करेंगे। ये क्लियर हो गया। देखिए ये जो लास्ट आंसर आएगा इससे हमको पता चलेगा कॉमन लेंथ, मैक्सिमम कॉमन लेंथ। कॉमन लेंथ कितना आया? फोर। फोर कैरेक्टर्स कॉमन है तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखेंगे आंसर। लेंथ इधर दिख रहा है, इस वाले पे लेंथ ऑफ कॉमन सब सीक्वेंस, कॉमन सब सीक्वेंस इज इक्वल टू फोर। फोर कैरेक्टर तो है, अब वो सब सीक्वेंस क्या रहेगा? तो सब सीक्वेंस देखिए फाइंड करेंगे, सब सीक्वेंस यहां से स्टार्ट करना है, इधर से लास्ट वाले सेल से स्टार्ट करना है और एरो के डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। लास्ट से स्टार्ट करेंगे, एरो के डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, ओनली डायगोनल को प्रिंट करेंगे, ओनली डायगोनल को प्रिंट करेंगे। बट एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, बोलोगे सर अगर साइड और अप आ गया तो कौन से एरो को लेंगे, कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे? तो इस सिचुएशन में आपको अप वाले को लेना है। क्या अप वाले को याद कैसे रखना है? देखिए हर इंसान क्या चाहता है? तरक्की चाहता है हर इंसान। तो इसका मतलब साइड वाले का मतलब है सेम लेवल पे रहेंगे, तो हम ऐसे सिचुएशन पे तरक्की वाले को सेलेक्ट करेंगे। ठीक, ये अप वाले एरो को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए ट्रैवल करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दो आ गया, एक साइड आ गया एक अप, तो आप किसको सेलेक्ट करोगे? किसको सेलेक्ट करना है? अप वाले को। यहाँ पे हम आएंगे, डायगोनल को प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पे डायगोनल पे कैरेक्टर कौन सा है? ए। इधर भी आप देखोगे ए, इधर रिवर्स ऑर्डर में ए मैंने लिख दिया। अब इसके एरो के डायरेक्शन में हमें क्या करना है? मूव करना है। हम इधर आएंगे, ये डायरेक्शन शो कर रहा है अप में, ओनली डायगोनल को प्रिंट करना है, तो ये हमारा आ गया पी। इसके बाद में एरो के डायरेक्शन में ट्रैवल करते जाएंगे, यहाँ पे हमें प्रिंट करना है सी को रिवर्स ऑर्डर में, इस डायरेक्शन में सी। यहाँ पे आएंगे और इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट बी करेंगे, ये बी हो गया, ये आ गया। इस तरीके से बस एक बात याद रखना है, लास्ट से स्टार्ट करना है, ओनली डायगोनल को प्रिंट करना है, एरो के डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। ऐसा अगर सिचुएशन आ गया तो आप अप वाले को सिलेक्ट करोगे। ये बात क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसका रिकरेंस रिलेशन देखेंगे। देखिए यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन जो लॉजिक है वही यहाँ पे मैंने रिकरेंस रिलेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। आई और जे, पहला पॉइंट आई और जे में कोई भी वैल्यू और केस लगा है जीरो है तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले रो और फर्स्ट वाले कॉलम को जीरो कर दिया इनिशियलाइज। सेकेंड वाला केस देखिए यहाँ पे सेम, अगर कैरेक्टर सेम होता है तो आपको डायगोनल में प्लस वन ऐड कर देना है, जैसे कहीं पे भी ले लेंगे। इधर देखिए हम यहाँ पे हैं, आई वैल्यू हमारा टू है और जे वैल्यू वन है, तो डायगोनल वैल्यू कैसे मिलेगा? माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे आई वैल्यू मैं लिख देता हूँ, जैसे मुझे आई वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए आई वैल्यू मेरा टू है और जे वैल्यू वन है, इसका डायगोनल वैल्यू देखिए आई वैल्यू कितना है? वन है और जे वैल्यू जीरो है, ये आ गया। तो इसमें माइनस किया गया है, टू माइनस वन और ये वन माइनस वन, टू माइनस वन करोगे वन, वन माइनस वन करोगे जीरो, तो यही वैल्यू है यहाँ पे। आई और जे में माइनस वन करेंगे और प्लस वन आपको ऐड कर देना है। अगर कैरेक्टर डिफरेंट आया तो मैक्सिमम वैल्यू लेना है, ये वैल्यू साइड और ये अप वैल्यू। तो देखिए जैसा यहाँ पे वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो टू जीरो आएगा, ये वाला वैल्यू अप वैल्यू है तो अप वैल्यू देखिए यहाँ पे आई का वैल्यू वन है और जे का वैल्यू है वन। ये देखिए यहाँ पे आई सेम है, जे माइनस वन है और यहाँ पे हमारा आई वैल्यू यहाँ पे वन है और सॉरी जे वैल्यू वन है, आई वैल्यू माइनस वन है। तो इस तरीके से डिफरेंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू लेना है, साइड और अप, ये वैल्यू है अप और ये है साइड, और यहाँ पे डायगोनल में वन ऐड करें। इसका कॉम्प्लिसिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है, बिग ओ एन स्क्वायर इसका कॉम्प्लिसिटी है। क्यों बिग ओ एन स्क्वायर आया? क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कॉस्ट मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के लिए टोटल हमने टू फॉर लूप का यूज करना है, एक रो और एक कॉलम। क्लियर, थैंक यू सो मच।